और जीता किसके लिए? व्हाट इज द पर्पज योर लाइफ? पढ़ा लो रमजान, आज अमेरिका में हो तो कल सऊदीया में हो, परसों उधर हो, बेटी के सिर पे हाथ रखने की टाइम नहीं है। बेटा आज का दिन कैसा रहा? और संत सन्यासी जब जरूरत से ज्यादा शिष्य बना के भौतिक सुखों में लिप्त हो जाता है तो वो साधना से दूर हो जाता है। जैसे आपका रुपया पैसा दौलत करोड़ों का बंगला है ना, ऐसे हम संतों की सब दौलत है साधना, यज्ञ हवन पूजा कर्मकांड, उसमें लिप्त रहना चाहिए। क्योंकि साधना अभिशाप को वरदान बना देता है, साधना अभिशाप को वरदान बना देता है और भावना पाषाण को भगवान बना देता है। नैतिकता के स्तर से नीचे उतर जाने के बाद वासना इंसान को शैतान बना देता है। करता रहा हरि भजन, चल परमार्थ की राहों पे ओ ब्रह्मांडपुरी, हरि भजन मोक्ष धाम दिला देता है, मोक्ष धाम दिला। श्रीमद् भागवत कथा में देखें, एक भूमिका के हिसाब से आपको बताएं, संतों की चर्चा करते आए, गुरुओं की चर्चा आए, तो मेरे भाई ध्यान देना, जो काम भगवंत नहीं कर सकता वो काम संत करता है, ऐसा प्रमाण भागवत के अंदर है। भक्ति जिसके लिए आदेश दे दे उसे मुक्ति मिल जाती है ना, ऐसा प्रमाण है ना। भक्ति चैतन्य हुई, भक्ति जिसको आदेश करे उसे मुक्ति हो जाती, लेकिन स्वयं के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब मूर्छित हो गए तो भक्ति से कुछ नहीं हुआ महाराज, संतों का सानिध्य लेना पड़ा। आज ब्रज में वृद्ध भक्ति युवा हो गई है, जवान हो गई है, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर पड़े हैं। तब उसने किसका सहारा लिया? तिभो भो ब्राह्मण क्षणिक तेष्टा, भो भो ब्राह्मण क्षण मतिष्ठम मच्चिंताय पिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। ओ, ओ। देव ऋषि नारद को कहते हैं, संत देवता है परमात्मा के स्वरूप। रामचरितमानस में तो राजेश जी गोस्वामी जी ने संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताया है। प्रमाण है उस चौपाई का कि राम भक्ति जह सुर सरिधारा, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, लेकिन कब? यूं तो हजारों नहाते हैं गंगा में जाके, पर अगर नियत ही साफ नहीं होगा तो गंगा का पानी क्या खाक पाक होगा। पहले नियत साफ करो,
अंदर की गंदगी हटाओ तब बंदगी आपकी स्वीकार होगी। और जब आपकी अंदर की गंदगी हट जाएगी, आपकी बंदगी स्वीकार होगी, तो मेरे भाई आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रयाग में जैसा तीर्थ है, सुरसरी के धारा बहने का महत्व है, ऐसे इन संतों के हृदय में सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सदैव ब्रह्म के विचार का चिंतन ध्यान धारणा करके लोगों में परमात्मा का प्रचार करते हैं। अस्तु ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, और जो दर्शन प्रयाग में करता है, स्नान करता है, वही लाभ अगर संत के चरण को धोकर किया जाए तो भव मुक्ति हो जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है, अनुभव भी किया है। क्योंकि संतों का सानिध्य के बिना कुछ होता नहीं महाराज। भक्ति ने संत का सानिध्य लिया और कहने लगी, प्रभु क्षण मात्र रुको, मेरी समस्या का समाधान करो। दर्शन की तो बात कर रही है, लेकिन कह रहे बहुधा बहुधा यानी कई बार, बहुधा तव वाक्ये न दुख नाश विनश्यति। कई बार तो आपके वाक्य का श्रवण करके ही दुखों का नाश हो जाता। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदह। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्य इकट्ठा होता है, तब जाके संत के दर्शन होते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, आप ये बताओ, काशी तुम काविमो। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, शेखावत साहब शब्दों की श्रृंखला देखिए। आज लोग क्या कहते हैं, औरत स्त्री को क्या कहते हैं? एक प्रमाण तो कल आपने सुना था ना, सीज माई मिसेज। हमारे पास शब्द है लेकिन हम दूसरे की चोरी करते हैं। जाओ कभी लोगों के घरों में तो जय श्री राधे प्रणाम तो खत्म ही हो गया, चाय पानी पिला है, गुरुदेव सीज माई मिसेज। अब अपने जैसे भी हंसके वाओ रियली सीज योर मिसेज। भारतीय संस्कृति में नारी को क्या कहा गया, श्री और मति, जथे नामे तथे गुणा। श्री का अर्थ शारदा से है और मति का अर्थ बुद्धि से है, श्री का अर्थ लक्ष्मी से है। अब आपके घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आए तो घर तर जाए। अब अगर मिसेज है तो आपको मिसयूज होना है। अब आप देख लो, अर्धांगनी कहना है, जीवन संगिनी कहना है, श्रीमती जी कहना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि कहना मेरा काम, सुनना आपका काम। पूर्व समय की भाषा माता श्री पिता श्री, अब तो डेड मॉम मम्मी। अरे इनके मतलब पता है आपके, कुछ भी बोल रहे हो। और तो और ये बैंड वाले ने और सत्यानाश कर दिया देश। हाँ, ये नई नई धुन लेके आते हैं, पूरे विश्व में फेमस है। आप लोग सत्य सुनने के आदि बन जाइए। हम कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप क्या कहते हैं, राम नाम सत्य। अब मान लो सूरदास जी किसी के घर में शादी हो और वो वाला धुन बजता, वो वाला जो बहुत मशहूर है, बजा के दिखाना जरा। हाँ जी, हाँ हाँ बहन भी बोलती आज मेरे।
અહીંયા ના ચાલતો હોય પણ અમારા મહારાષ્ટ્રમાં ચાલે છે એ કહું છું, ગુજરાતમાં ના ચાલતો હોય. એ ધર્મભૂમિ છે ને. 60 સાલથી બુઢિયા બી બોલતી આજ મેરે, ભૈયા ભી બોલતા આજ મેરે, આગે વાલી આપ યાદ કરો, મેં ભૂલ જાતો. મેરા નામ ઉપનામ બાવરા મહારાજ હૈ ના, એટલે ભૂલ જાતો. અબ એસી સ્થિતિ મેં શેખાવત સાહેબ કાન મેં જાકર બોલ દો, જબ સારે આજ મેરે કર રહે હો એસે, કાન મેં જાકર કહે દો ભૈયા રામ રામ સત્ય હૈ, તો આપકે સાથ ક્યા વ્યવહાર હોગા? અકલ્પનીય, અવિસ્મરણીય, અદ્વિતીય. અબ બતાવો, રામ નામ સત્ય નહીં હૈ ક્યા? જબ તક હૈ જીવ તબ તક રામ નામ સત્ય નહીં, જબ ચલા ગયા તો ઉસકે પીછે સે બોલતે રામ નામ, તો પહેલે હી જાન લેના ચાહિએ. તો ભાગવત મેં અગર આપ શ્રવણ કરેંગે યા કહીં ભી, તો મહિલાઓ કી શૃંખલા હૈ. ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં કિસી ભી અવલા કો પુકારા ગયા તો માત્ર શક્તિ સે કહા ગયા. ક્યા કહા ગયા? આદિ શક્તિ કહા ગયા. મહિલા કહા ગયા? માં મમતા, હી હિંમત, લા લાજ. જિનમાં યે મમતા હિંમત લાજ કા સમાગમ હો, એસે અનુસૂયા જૈસી નારીઓ કો હમારા બાર બાર પ્રણામ હૈ, જો હમેશા સંતો કા સાનિધ્ય. કિતના સુંદર, અનુસૂયા કે સમક્ષ તીનો દેવ પરીક્ષા લેને ગયે હૈ ઓર કહેતે ભોજન ભી તો તબ કરે જબ નિર્વસ્ત્ર હો કે કરાવે. એસી સતી ભારત મેં હોતી, અમેરિકા મેં નહીં હોતી. ઓર કમંડલ સે જલ ઉઠાયા અપને પતિ કે ઓર છિડક દિયા બ્રહ્મ અર્પણમ બ્રહ્મ ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિનામ. ઓર તીનો દેવતાઓ કો બાલક બના કર નિર્વસ્ત્ર હોકે ભોજન કરા દિયા. એસે આદિ શક્તિઓ કો મેરા બાર બાર પ્રણામ હૈ. મહિલા અર્ધાંગની, જીવન સંગિની. ઔરત નહીં અચ્છા, અપની ડિક્શનરી દેખના, વ્યાકરણ મેં ઇસકા અર્થ નિકાલના થોડા ઠીક નહીં હૈ. અબ મેં જહાં બેઠા હું યહાં મેરી મર્યાદા હૈ, કુછ શબ્દ નહીં બોલ. લેકિન જીવન સંગિની, મહિલા જીવન સંગિની હૈ, અર્ધાંગની, ધર્માંગની. આજ દેવઋષિ નારદ ને કાસી તમ કામ્યો ચેમા, કિતને પ્યાર સે બોલા, હૈ સુંદરી એ માત્ર શક્તિ, આપ કોન હો? દેખને મેં તો બડે સુંદર હો, ક્યા પીડા હૈ યે બતાઓ. આજ ભક્તિ અપને સંત કે સમક્ષ રુદન કર રહી હૈ. આપ ભી ધ્યાન કર લેના, સસુરાલ મેં નહીં રોના, નહીં ઇજ્જત કમ હો જાય. પડોશી મેં નહીં રોના, નહીં કોઈ સાથ મેં નહીં ખડા હો. ગુરુ કે ચરણો મેં રોના, જો કિસી સે કહેતા નહીં, આપકે આંસુઓ કો પી લેતા હૈ. એક છોટી સી મેરી કલ્પના, ઉસકે બાદ કથા કી તરફ ચલેંગે. એક સંત, એક ગુરુ ભગવાન સે ક્યા ચાહતા હૈ, ભક્ત સે ક્યા ચાહતા હૈ? દૌલત. દૌલત કી ક્યા જરૂરત? આપ જો દોગે વો મેરે કામ કી હૈ નહીં, ઓર જો હમે ચાહિયે વો આપ દે નહીં પાઓગે. ફિર ગુરુ ચેલા કૈસે બનાયે બતાઓ? લોક કહેતે મહારાજ ચેલા બના લો, અબ કૈસે બનાય? હમે જો ચાહીએ આપ નહીં દે પાઓગે ના. રાજા પ્રસન્નમ ગજ ભૂમિ દાનમ, બનિયા પ્રસન્નમ કૌડી છે દાનમ. રાજા પ્રસન્ન હોગા, દો ચાર દસ બીસ બીઘા એકર જમીન દે દેગા. બનિયા પ્રસન્ન હોગા, પાંચ દસ લાખ બીસ લાખ દે દેગા. એ મેરે કિસ કામ કા? હમે ચાહીએ નિર્મલ ભાવ, પારદર્શી જીવન. જબ કભી આપકે ઘર આયે તો હર્ષિત હોતે હુએ, જૈસે મંદિરો મેં લોગો કી પૂજા હોતી હૈ, આપકે માતા પિતા કી સેવા દિખાઈ પડે, એસા શિષ્ય સે મિલે તો દીક્ષા દેઉં. બાકી ધન દૌલત કે પુજારી તો કિસી કે હોતે નહીં સાહેબ,
फिर वो हो जाएगा कि चले प्रेम परित्याग कर करत प्रेम की आस, और आए थे हरि भजन को होटन लगे कपास, कुछ नहीं मिल रहा है उसमें, दोनों जीवन खराब हो जाए। एक गुरु शिष्य से क्या चाहता है? अच्छा शेखावत जी एकाग्रचित होकर सुनिएगा, चाहत से ही राहत होती है। अब शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है ना, संसारी और सन्यासी का रिश्ता है ना, वो कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, दोनों भिन्न है ना, एक योग वाला जीवन एक भोग वाला जीवन। लेकिन सन्यासी गुरु क्या कल्पना करता है हिंदी समझते हैं, जरा इन पंक्तियों को सुन के मनन करना, शायद बदलाव आ जाए। एक शिष्य से गुरु क्या कल्पना करता है कि तेरी हमको दोनों को वहीं जाना है, भाव कि तेरी मेरी एक मंजिल, आ जा मेरे साथ चल। हम दोनों नदी के किनारे हैं, संसार समाधि है, चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम संसार का गृहस्थ आश्रम है। हम दोनों नदी के किनारे हैं, मिल नहीं सकते, साथ चल सकते हैं। एक दिन तो मेरे साथ चल, चल गंगा गोदावरी यमुना कावेरी कब तक नाम में है, जब तक सागर में मिल न जाए। संत कहता है आप मेरे साथ चलो, धीरे धीरे चलते दया की सागर के चरणों में छोड़ देना मेरा काम है। एक नदी के करना मत भूलना, और सुख में मुझे कभी याद ना करना, ये काम गुरु किया करते हैं।